हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पे आपका जो आने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्या होता है आप समझे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझे कि ये जो लाइन होता है, इस तरह की लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये इस तरह की लाइन को स्लेंट लाइन कहते हैं। और एक आपका लाइन जो है मेन आपका तीन तरह का होता है, आपको थोड़ा सा अगर बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस आपको बता रहे हैं। एक तो आपको इस तरह को लाइन को कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की लाइन को कहेंगे वर्टिकल लाइन, इस तरह की लाइन को कहेंगे हम लोग स्लेंट लाइन, ठीक है, जिसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट ये हो गया। ये आपका जो है एक वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो आपका जो भी बिल्डिंग बिल्डिंग होगा वो आपका वर्टिकली होगा, टावर जो होगा वर्टिकली होगा, ये सारी चीज़ें वर्टिकली, आपका ग्राउंड जो होगा हॉरिजॉन्टली होगा, ये सारी चीज़ आ जाती है। वो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करता है, दैट इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ जो है ऑब्जर्वर है और ओ एक्स जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक ऑब्जेक्ट पी, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कोई चीज़, क्या है पी, ठीक है। P इज एट द हायर लेवल देन द आई, मतलब यहाँ से कोई जो है यहाँ से ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, तो अगर ये वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर ये ऊपर देखे तो, अगर ये सेम आपका नेक्स्ट अगर ऐसा हो, अगर लाइन ऑफ साइट मीन्स आपका जो है अगर इसको ऑब्जर्वर जो हो नीचे देखेगा, ठीक है, उस केस में जो होगा आपका जो होगा ये जैसे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे इसको भी हम बता देते हैं आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ में आ गया आपको, एंगल ऑफ हम डिफ्रेक्शन बता देते हैं यहाँ पे, इसी पर हम क्लियर कर देते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपका, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आपका बताते हैं। तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन में सारा कुछ ऐसे ही होगा, सिर्फ आपका जो होगा जो पी जो होगा आपका लोअर लेवल होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो वो इसमें जो ऑब्जर्वर देखेगा वो आपका जो है इसमें नीचे देखेगा, अपनी लाइन ऑफ साइट क्या होगा इसमें नीचे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जैसे आपका जो है ये है आपका, ठीक है, ये आपका है थीटा, ये आपका पी है, ये आपका यहाँ ऑब्जर्वर का आई है, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एक्स है। तो यहाँ से पी ओ एक्स जो होगा आपका, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये है आपका एंगल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और ये जो एंगल होगा, ये आपका जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो होगा, आप कुछ पॉइंट इसमें याद रखें आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में, अगर अपने हम लोग ऑब्जर्वर जो है कोई चीज़ को हम लोग अपने ऊपर टॉप देखें तो वो हम लोग एलिवेशन होगा, और अगर हम लोग बॉटम देखें तो हम लोग क्या करेंगे, वो डिफ्रेक्शन होगा। जैसे अभी हम लोग ग्राउंड से अगर हम लोग छत को देखते हैं तो एलिवेशन होगा, और अगर हम लोग छत से अगर कोई ग्राउंड को देखते हैं तो हम लोग या सड़क में कोई चीज़ आते अगर कोई चीज़ को देखते हैं तो वो होगा आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका तीन चार पॉइंट आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा डिफ्रेक्शन होगा ऑलवेज जो होगा आपका। सबसे पहला तो ये याद रखें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर एक्यूट एंगल, ठीक है, दोनों हमेशा एक्यूट एंगल ही होता है। मतलब चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हो, दोनों क्या होगा आपका एक्यूट होगा, आपका यहाँ पे ऑब्ट्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, आप इसको समझ लें यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगल जो ऑब्जेक्ट से एंगल का एलिवेशन जो होगा और उसका जो डिफ्रेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक समझ लें यहाँ पे, जैसे दो पॉइंट आपका, जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ पे अगर कोई जो है ये जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से जो है कोई चीज़ को यहाँ तक देख, यहाँ इसको देखा तो इसका जो एंगल जो होगा, मान लेते हैं ये जो है ये इधर बनेगा आपका,
ये मान लेते हैं ये 30 बना, तो ये जो 30 हुआ ये किसका इक्वल होगा, ये आपका इस 30 का इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको रीजन भी देना पड़ेगा आपको, ये आपका जो होगा अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, ये और ये एक आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपको लिखना पड़ेगा। वही चीज़ हम आपको मीनिंग में समझाए, जो डिफ्रेक्शन होगा वो आपका एंगल, ये जो होगा आपका ये इक्वल होना चाहिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिफ्रेक्शन का दोनों, और ये हम लोग ये कैसा होगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। ये चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लिखना भी है, इस चीज़ को कि कैसे आपका इक्वल हो गया आपका, तो वो चीज़ आपको ये लिखना भी है। तो इसका हम कुछ स्टेप बताते हैं, इसका कैसे स्टेप हम लोग को, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पॉसिबल जो होगा उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन एलिवेशन है, कौन डिफ्रेक्शन है। पहला स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द फिगर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन का सिचुएशन होगा उस स्थिति के, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका आपको फिगर ड्रॉ करना है, सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या दिया है, वो सारी चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, साइड को आप आइडेंटिफाई करें, और आपको जो है साइड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो है आपको कौन सा पार्ट दिया है और कौन सा पार्ट नहीं दिया है, इस चीज़ को आप उसमें इंडिकेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, अगर वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, ठीक है, मतलब ये अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, पहला पॉसिबिलिटी होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है आप अप्लाई करेंगे कि आपका कौन सा वैल्यू आपका दिया हुआ है और कौन सा वैल्यू निकालना है। सपोज जैसे कि हम लोग पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना है बी, तो हमको ऑब्वियसली हमको या तो टेन थीटा लेंगे या तो हम लोग क्या लेंगे, कॉट थीटा लेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का सिलेक्शन करना है, ठीक है, कि वो चीज़ आपको क्या लेना है। जैसे अगर आपके पास बी दिया हुआ है, ठीक है, आपके पो एच निकालना है, तो आपको ऑब्वियसली या तो आपको सेक थीटा लेना पड़ेगा या तो आपका कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पी दिया हुआ है, एच आपका जो है फाइंड करना है, ऑब्वियसली आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा या तो आपको कॉसेक थीटा लेना पड़ेगा। ये तो आपका था। नेक्स्ट, अगर आपके पास ट्रायंगल जो हो राइट एंगल नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में जो हो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको साइन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब आप देखें, एक हम आपको इस चीज़ के लिए हम आपको एक फिगर बताते हैं आपको, जैसे कि आपका कभी जो है अगर आपके पास जो हो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिले, जैसे कि मान लेते हैं एक ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, इस केस में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ अगर देख रहा है ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे तो आपका राइट एंगल है नहीं, आप तो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कुछ है, ये आपका कुछ है, तो आपको अगर बोलेगा कि इसका वो और इसका वैल्यू निकालें, तो आपको पता होगा आपको साइन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन फार्मूला आपको पता हो ही होगा, ए बाई साइन ए होता है इक्वल्स टू बी बाई साइन बी होता है, और सी बाई साइन सी होता है इक्वल्स टू क्यू होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी लेंथ ऑफ साइड है, और ए बी बड़ कैपिटल ए बी सी क्या है आपका, ओ एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ये आपका ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप इसमें साइन फार्मूला यूज करेंगे कब, जब ट्रायंगल आपका राइट नहीं हो, जैसे इस तरह का फिगर में आपका, ठीक है। ये आपका स्टेप जो है, स्टेप नंबर आपको बताए फोर्थ का। तो इस तरह करके बाकी जो है आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है आप निकाल लेंगे। मेनली जो है आपको देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप साइन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, आप उसको अच्छे से सबसे पहले समझें, और कम से कम 10-20 क्वेश्चन को आप क्या करें, उसका सबसे पहले आप तो उसका फिगर को ड्रॉ करें, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत सारा क्वेश्चन जो खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फोकस इन द हाउ टू ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन सिचुएशन इन द गिवन सिचुएशन इन द इन 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 क्वेश्चन, ओके, एंड इन इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द फिगर देन आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू द फिगर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। सो यू शुड प्रैक्टिस मोर देन 100 क्वेश्चन टू ड्रॉ द फिगर्स, ओके। सो अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। तो आप सबसे पहले फिगर पे फोकस करें, फिगर पे फोकस करने के बाद आपका सेकेंड जो होता है कैलकुलेशन आपका आसानी से हो जाएगा, ओके। थैंक यू।